मेरा सीधा संदेश ये है, ये लोकतंत्र है, जिस कौम के पास राजनीतिक ताकत नहीं है उसके साथ जुर्म जाती होगी, उनकी माता बहनों का अपमान होगा, उसके अधिकार छीनेंगे, उसको नए अवसर नहीं मिलेंगे, उसको तमाम तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। हमारे लोगों ने यहाँ सब लोगों को मौका दिया और ठगे गए। उन्होंने 2009 से 14, 14 से 19 और 19 से 24 तीन अलग अलग पार्टियों को मौका दिया और आप उनसे खुद जाके पूछो, वास्तविकता में अगर पत्रकारिता आप कर रहे हो तो जाके पूछो कि इन तीन योजनाओं में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उन्होंने बनाए, उन्होंने एक मिनट की आवाज उठाई या नहीं उठाई। अभी तक लोगों ने नेता देखे, आज चंद्रशेखर आजाद के रूप में उनका भाई इस लड़ाई को लड़ने के लिए आया और मेरा विश्वास है अभी तक तो मुझे अवसर नहीं मिला है। अभी तक जो लड़ाई लड़ी मैंने सड़क पर लड़ी, जिस दिन मेरे भाइयों ने मुझे सहयोग करके ताकत दी उनको ये दिन याद रहेगा कि उन्होंने एक नेता को ताकत दी है और उसका असर ये होगा कि किसी कमजोर पे उठने वाली हर आंख आवाज ठंडी पड़ जाएगी, उससे जितनी ताकत जमीन पे आ जाएगी। आजाद समाज पार्टी बाहर क्या फर्क पड़ता है, पैदा ही अकेले हुए संघर्ष भी अकेले कर रहे हैं और आज इतना बड़ा काफिला है ना, इतने प्यार करने वाले भाई हमारे, इतने संघर्ष करने वाले नेता। मेरी एक बात याद, जब कोई गरीब कोई लड़ाई लड़ने निकलता है लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, अगर अमीर गरीबों के इतने स्थिति होते तो कोई गरीब नहीं रहता। मैं लड़ाई लड़ना चाहता हूं क्योंकि नेताओं ने हमारे लोग ठगे, ठीक है। और आप याद रखो जनता को तय करना है कि वो किसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो मुझे जनता गठबंधन की जरूरत है उस, और वो मैंने काम किया, वो उनके दिल में हुए, ठीक है।